नमस्कार दोस्तों, मोचने विलाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं फिटर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं कि फिटर की क्या जॉब होती है ऑन बोर्ड शिप पे, और कितने फिटर होते हैं, फिटर की सैलरी क्या होती है, कैसे हम फिटर पे आ सकते हैं। तो फिटर के ऊपर आज बात करूंगा। देखो, फिटर की जो जॉब होती है जो शिप पे, वो डे वर्क करता है फिटर 8 to 5। अगर इमरजेंसी होगी तो उसके बाद बुला सकते हैं फिटर को, कहीं लीकेज वगैरह हो रही है तो फिटर की ज़रूरत है तो बुला सकते हैं कभी भी। लेकिन उसका जो डे वर्क होता है 8 से 5 होता है, और एक दिन हॉलीडे मिलता है फिटर को और एक दिन हाफ डे मिलता है ITF कंपनी में। और फिटर का काम यही नॉर्मल वर्क होता है। अगर कहीं लीकेज वगैरह हो रही है, अगर ज़रूरत है कि वहाँ पे फिटिंग की ज़रूरत है, वेल्डिंग की ज़रूरत है, तो फिटर जाके करेगा। कई कई शिप में 2 फिटर होते हैं, डेक का फिटर अलग होता है, इंजन का फिटर अलग होता है, और अगर छोटा शिप है तो एक ही फिटर रहेगा, दोनों का काम करेगा, डेक का है या इंजन का है, दोनों का। अगर ज़रूरत है, लाइन वगैरह लीकेज हो रहा है, तो फिटर आएगा वहाँ पर, वेल्डिंग करेगा अगर वहाँ पर हो सकता है तो, नहीं हो सकता है तो डबलर वगैरह मार देता है। वो अपने हिसाब से काम करता है फिटर। और फिटर की सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है। अच्छी कंपनी में जाओगे आप, ITF कंपनी में जाओगे, एक्सपीरियंस फिटर को आराम से $2,500 आराम से मिल जाते हैं ITF कंपनी में। मेरे शिप पे जो फिटर था वो, और उसकी सैलरी अभी दूसरा ही सेल उसने किया था, मेरे जो शिप पे फिटर था उसकी सैलरी अभी $900 थी मेरे शिप पे। और अभी जाएगा वो, कोई अच्छी कंपनी में जाएगा तो आराम से वो 2,000 उठा सकता है, 1,800-2,000 आराम से ले लेगा फिटर, क्योंकि उसको पहले भी एक्सपीरियंस था। और नॉर्मल वर्क होते हैं, कहीं लीकेज वगैरह हो रही है, यही सब फिटर का काम है। अगर कुछ काम नहीं है तो नॉर्मल जो ऑयलर वगैरह काम कर रहा है उसकी हेल्प करेगा। और फिटर को अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की फिटिंग कर रहा है तो वो ले सकता है बंदा, ऑयलर हो या ओयल्स हो या डेक एडिट हो, कोई भी डेक वाला या इंजन वालों को अगर ज़रूरत होगी तो वो ले सकता है। मेरे शिप में लीकेज हो गया था, एक हाइड्रोलिक लाइन लीकेज हो गया था, तो उसमें पूरा जितने भी थे, इंजन वाले थे, डेक वाले थे, सारे बंदे आए थे और उसकी हेल्प करने। और मैंने एक वीडियो भी डाला था बहुत पहले, ये वीडियो आप लोग देख लेना, मैं डाल दूंगा। तो पूरा रात हो गया था हमको, फिटर ने स्टार्ट किया था सुबह 8 बजे से हमने स्टार्ट किया, और शाम को 7 बज गया था उसकी फिटिंग करने में। हमने डबलर लगाया था, फिर वेल्डिंग किया था उस बंदे ने, तो बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी बहुत काम हो जाता है फिटर को अगर ज़रूरत होती है तो। लेकिन अच्छी लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है, और सैलरी अच्छी मिल जाएगी आपको अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। पहले आप एक्सपीरियंस बना लो फिटर पे, एक दो सेल अगर आपने जहाज में मार लिया उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो ITF कंपनी में। आपने अगर लैंड जॉब भी किया है, लैंड जॉब के बाद भी आप आ सकते हो फिटर पे। मेरे दो जो मेरे शिप पे था उसने ओपन CDC निकाली थी, लैंड जॉब किया था उसने 7-8 साल एज ए फिटर पे, तो उसके बाद वो आया, ओपन CDC निकालने के बाद वो ज्वाइन किया शिप। और सैलरी अभी जाएगा MSC वगैरह में, उसका कोई था रिलेटिव वो MSC में जाने वाला, उसका डिफरेंस भी लग गया है। अभी स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पे $2,000 मिलेगी उसको फिटर पे, तो अच्छा है। अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर का, सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, तो आप ओपन CDC निकाल के जा सकते हो यार। ओपन CDC निकाल लो, उसके बाद ट्राई करो, कोई छोटी कंपनी में ही ट्राई करो एज ए फिटर पे, कम सैलरी देगा, एक दो सेल मारने के बाद फिर आप ट्राई करो कोई अच्छी कंपनी में, एक्सपीरियंस लेने के बाद, शिप का एक्सपीरियंस लेने के बाद। तो जो भी जिसका भी क्वेश्चन था मैंने बता दिया, जो भी होगा कमेंट करना, आज के लिए बस इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी सवाल होगा तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। खत्म करो यार, अब हो गया, वो अगला लगाते हैं। Number two, sir. Number one here, yes, sir. Ah, one, one. Hey.
Yes. 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 Y